स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूँ मसूरी के। तो मसूरी के लिए जो स्पेशल शॉट्स हैं आपके, क्योंकि मसूरी जब आप जाते हैं तो पूरा पहाड़ों का एरिया है, पूरे अच्छे नेचर भरे सीन्स हैं वहाँ पे, बादल आपको देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं मसूरी एक्सप्लोर करने की। आई एम श्योर कि मेरा मसूरी वाला व्लॉग पूरा होने के बाद, मैं उसको 3 से 4 व्लॉग्स में आपको लिए बनाने वाली हूँ। मसूरी वाला व्लॉग जब आप कंप्लीट देखोगे ना, तो आई एम श्योर चाहे आप कितनी भी बार मसूरी घूमे हो, लेकिन कोई ना कोई जगह ऐसी ज़रूर होगी जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा या जहाँ पर आप नहीं गए होंगे। तो आप चारों की चारों पांचों वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं बाइक पे जाने वाली हूँ, बुलेट पे जाने वाली हूँ, ताकि आपके लिए सारे के सारे सीन्स को जो है शॉट कर पाऊँ, सारे के सारे सीन्स को मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अभी हम थोड़ी देर में घर से निकलेंगे और आप पूरी वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए। सो ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने आज बनाया है मैंगो शेक और साथ में है पोहा, ये खा के हम थोड़ी देर में निकलेंगे मसूरी के लिए और मैं आपको सारे सीन्स दिखाते हुए चलूंगी, तो साथ में बने रहिए। चार दुकान की तरफ, ये हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है यहाँ पे जब हम रास्ते से आए हैं, तो आगे पूरा रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। तो अगर आप आ रहे हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग बाइक हो, आप अच्छे ड्राइवर हो, आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती हो, और कोशिश करें SUV, थोड़ी छोटी गाड़ी नहीं, क्योंकि ऊँचाई ज़्यादा हो जाती है तो आगे से भी जब गाड़ी आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम भी जो है बुलेट पर आए हैं अभी, तो मेरी सबसे फर्स्ट साथी है, जब से ट्रैवलिंग करनी शुरू हुई है तो हमने बुलेट से ही ज़्यादातर स्टार्ट की थी। और माउंटेन्स एरिया में, पहाड़ों के एरिया में जब आप सीन का भी मजा लेना चाहते हो साथ में, तो बाइक या 2-व्हीलर से प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और इस मौसम में भी अगर आप देखेंगे ना, तो पूरी ओर आपको थोड़ी ठंड फील हो रही है और धूंध दिखाई दे रही है, सामने एक आपको प्लेग्राउंड भी दिखाई दे रहा होगा।
सामने अगर आप देख पा रहे हो तो सामने एक कैफे है, ये पूरा काफी फेमस है, मड कैफे, मड कप कैफे यहाँ पे। तो आप रास्ते में अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे आगे, मैं आपको नीचे दिखा होगा, पूरे घर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे चार दुकान पे, तब तक मैं आपको सारा रास्ता दिखा दूँ। ये बेसिकली ना लंढोर एरिया है, अगर आप रस्किन बॉन्ड को जानते हो तो वो यहीं के हैं, काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने लिखी है। अगर आप उनसे मिलना भी चाहते हो तो नीचे एक शॉप है जहाँ पे बुक की, वो शॉप भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। वहाँ पर रस्किन बॉन्ड बैठते हैं वीक में एक दिन, तो आप वहाँ पर उनकी बुक्स ले सकते हो, उनसे ऑटोग्राफ ले सकते हो, उनसे मिल सकते हो। तो उनका जो घर है वो इसी रास्ते पर आता है लंढोर के। जो मैंने आपको सीन दिखाया है वो है चार दुकान का, जो कि यहाँ पे एक सेंट चर्च भी है उसके बिल्कुल नज़दीक में है। चार दुकान इसलिए इस जगह का नाम फेमस है क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिर्फ चार ही दुकान है और ये काफ़ी टाइम से है, क्योंकि ये लंढोर एरिया में है। लंढोर एरिया बेसिकली ब्रिटिश राज से है, यहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने को ये जगह पसंद आई थी और उन्होंने इस जगह पर अपने आप को, मतलब यहाँ पर उन्होंने अपना एरिया बनाया था, तब से ये चार दुकानें हैं, काफ़ी फेमस है। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इजली कर सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, मैगी, पराठा, और जो फेमस है यहाँ पे सैंडविच, पैनकेक और शेक, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे लाल टिब्बा की और चर्च जो बीच में आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इससे पहले जो ये एरिया है इसको सिस्टर्स बाजार भी कहा जाता है, तो ये सारा एरिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहे। Thank you.
ये 8000 फिट पर है आपके। यहाँ पर दो कैफे हैं, एक ये कैफे जहाँ पर हम हैं ये अनिल कैफे है, और एक कैफे सामने है तो वो है आपका बेसिकली टी कैफे है, बेसिकली दोनों ही कैफे हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर जो लाल टिब्बा में देखने के लिए आते हैं ऊपर टेलीस्कोप लगा हुआ है जिससे आपको ऊंची चोटी दिखाई देती है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से वो बंद है क्योंकि हर बार टच करना पड़ता है देखने के लिए आपको। तो वो ऊंची चोटी यहाँ पर केदारनाथ बद्रीनाथ इस तरीके की यहाँ पर दिखाई जाती है। सेफ्टी पूरी है, उन्होंने ग्लव्स दिए हैं जो आप देख सकते हैं, और उन्होंने हमारे वाला मास्क उतार के खुद वाला मास्क दिया है वो अलाउ करते हैं पूरा सेफ्टी के साथ। और जो सर्व कर रहे हैं वो भी जैसा कि मैंने आपको दिखाया अपने वीडियो में देखा, उन्होंने भी पूरा फेस शील्ड और मास्क वास्क सब प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट है। तो आप आ सकते हैं, और अगर कुछ खाना पीना आप साथ लेके आए तो वो खा सकते हैं आपने। वैसे यहाँ पर बाहर का अलाउड नहीं है, अगर आपको खाना है तो आप पहले ही खा के आ सकते हैं। और यहाँ पे ये पूरी सीनरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप आएंगे आपकी टेबल भी पूरी सैनिटाइज की जाएगी, सैनिटाइज करके फिर आपको रह जाएगा, और बाहर सैनिटाइज भी। तो पूरी जो है पूरी की पूरी व्यवस्था है लॉकडाउन में सैनिटाइज की, और जो सारे नियम है वो पालन हो रहे हैं। और अगर आप टेलीस्कोप ऊपर देखना चाहते हैं लाल टिब्बा आके ऊपर, तो टिकट है 50 रुपये पर पर्सन, और अगर आप कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ आपकी टिकट फ्री हो जाती है। यहाँ पर जो फेमस चीज़ें हैं वो आपकी चिकन सैंडविच है, बन है, ऑमलेट है, मैगी है, पिज्जा है, तो ये सब आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो चाय कॉफ़ी वो सब आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको टीज यहाँ पर मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके की ग्रीन टी, ब्लैक टी, वाइट टी या कुछ भी, और मसाला टी, आपको काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगी, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। चार दुकान यूपी ही, लाल टिब्बा, आईटीएम, और ये आईटीएम के काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, और लैंग्वेज स्कूल यहाँ पर है। बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, यहाँ पर वेलकम लंडोर क्वीन ऑफ हिल्स, ये इसको सिस्टर्स बाजार कहते थे।
तो सिस्टर्स मार्केट के नाम से भी फेमस है। अगर बारिश आ जाती है बाय चांस तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये चर्च है, अभी शायद ये बंद है, तो अगर आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो इस चर्च में भी आप आ सकते हैं और यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चार दुकान, लाल टिब्बा और ये चर्च, यहाँ पर आप अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं, अच्छे से सिनेमाग्राफी, यानी कि आप अच्छे से अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं और फोटोग्राफ्स भी आप अच्छे से ले सकते हैं।